हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है कि मतलब अगर हमको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो क्या जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, और सही भी बात है क्योंकि सबकी अलग अलग जॉब होती है और जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करना ऐसे ऐसे बेसिक देखा जाए तो टफ है, क्योंकि आप अगर मॉर्निंग से इवनिंग तक जॉब करते हो, क्योंकि हर जगह प्रेशर रहता ही है, चाहे आप किसी भी जगह पर काम करते हो, इतना तो आसान कोई भी नहीं छोड़ता कि कोई फ्री करके रखे रहे। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है तो आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है। फिर आप दिन भर काम करने के बाद जब घर जाते हो तो आपको लगता है थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होना चाहिए। कुछ लोग के फ्रेंड लोग रहते हैं, उनको लगता है कि सैटरडे संडे पार्टी होना चाहिए। कुछ लोग अपना मूवी वगैरह देखते हैं, लोग रिलैक्स होना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सही बात भी है। ये हो गया एक एंगल। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो और आप अगर जॉब करके जा रहे हो शाम को और आपको मूवी देखना है, आपको पार्टी करना है, कंसिडरेबल है, आराम से नींद लीजिए, सो जाइए। बट अगर आपको लगता है कि जिस जॉब में आप हो आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस जॉब में आप हो उसमें उतने सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल प्लान करना होगा, और वो टफ है। क्योंकि जब आप मनी अर्न करते हो ना तो उसके बाद पढ़ना टफ होता है हमेशा ना। टफ होना एक स्टूडेंट लाइफ में तो हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50 जो भी आप अर्न करना चालू करते हो, उसके बाद पढ़ना सही में टफ है। मतलब कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं अच्छा ऐसा फील करता हूँ। उस समय पढ़ने के लिए ना एक अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए रहेगा, क्योंकि आपको ना ऐसे ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय में लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को कोई ग्रुप मिलेगा ऐसे लोगों का जो जॉब के साथ साथ पढ़ने वाले। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऑफिस के बाद लोग बैठ के पढ़ रहे हो, अपनी जो सोशल लाइफ है, जो इंटरटेनमेंट वाली लाइफ है उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, सच में बड़ी चीज़। हाँ, अगर आपकी जॉब ही बड़ी मिनिमम है तो सब समझ आता है, लेकिन जॉब आपकी ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छी जॉब है, 20-25 हज़ार भी मिल रहा है आपको, उसके बाद भी पढ़ना आसान नहीं होता है। मतलब लोगों को लगता है ठीक है, तो उसके लिए ना एक अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए। मतलब और आपको आपका जो विजन होना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जॉब लगी और अगले 6 महीने में आप फटाफट पढ़ के ख़त्म कर दें, इतना भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपको आराम से एंड करना है, आप अपने बारे में जानिए, आप कैसे स्टूडेंट उस बारे में जानिए, एक प्रॉपर आपका रिसोर्सेस होना चाहिए कि आप किनको यूज करोगे, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे, स्टडी मटेरियल लोगे, या हम लोगों का जैसे PDGD कोर्स आता है वो लोगे, या VOD कोर्स आता है हम लोगों का लाइक नेटफ्लिक्स, तो आपको देखना होगा कि आप किस में कंफर्टेबल है। उसके बाद आपको प्लान करना होगा, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 महीने का प्लान कर लो। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास 4 महीने 5 महीने सफिशिएंट नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप तो जॉब कर ही रहे हो ना। और जॉब करते करते अगर अपना विजन बना लोगे कि मैं 3 महीने में इतना पढ़ लूँगा, और आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसी बार कर सकता हूँ, गजब का एफर्ट मारो, आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा टाइम की नीड है, मेरे कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा जो फंडामेंटल है वो नेक्स्ट लेवल का नहीं है, ठीक ठाक है, इतना भी नेक्स्ट नहीं है, इट्स ओके, आप धीरे से स्टार्ट करो। आप जॉब कर रहे हो तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं, लाइफ आपकी सिक्योर है एक लेवल पे, और आपको दूसरे लेवल पे जाना है तो अब आपको धीरे धीरे अपना वर्क करना चाहिए। तो अभी ना मेरे को लगता है कि जॉब के साथ अगर किसी एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपका कंसिस्टेंट वाला जो वर्क है ना वो सबसे डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो जॉब के साथ लगभग टफ होती है। क्योंकि आप 1 महीने पढ़ लिए, बड़ा बड़ा मोटिवेट कर लिए, मेरा वीडियो देख लिए और किसी का वीडियो देख लिए, संदीप महेश्वरी सर को फॉलो करते होंगे, उनका देख लिए, एकदम लगा कि यस आई विल डू 1 महीने। उसके बाद फिर 1 दिन 2 दिन आप ड्रॉप किए, कई बार लोग सोचते हैं कि 2 दिन से कुछ नहीं होता है, कैसे डिसिप्लिन कैसे ब्रेक होता है, व्यक्ति 1 दिन ऐसा करता है, फिर 2 दिन करता है, फिर लगता है ठीक है 3 दिन, फिर ऐसे कर करके ना वो हैबिट में आ जाता है और फिर ख़त्म, स्टोरी ख़त्म, उसके बाद वापसी नहीं हो पाती, तो बड़ा टफ होता है। और टेक्निकल ऐसी चीज़ है कि अगर आप इससे डिस्टेंस बनाओगे, अगर आप 6 महीने से टेक्निकल नहीं पढ़े हो तो अगले 6 महीने ना इनिशिएट करने में लग जाएंगे अपने आप को, और टेक्निकल ना क्रिएट करता है फियर, टेक्निकल से डर लगता है अगर आप बहुत दिन से नहीं पढ़े हो तो। अगर आप बहुत दिन से नहीं पढ़े हो तो बड़ा टफ होता है अपने आप को इंगेज करना टेक्निकली, तो ये देखना होगा आपको अपने आप को इंगेज कैसे करोगे। तो बस मेरा यही है कि अगर आपको जॉब के साथ अगर कोई एग्ज़ाम का आपका प्लान है, कोई विजन है और आप उसको कवर करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ना नेक्स्ट लेवल का डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ जो नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल लोग, सोसाइटी के लोग बिलीव नहीं करते या कोई करता नहीं है, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो सोचेगा कोई व्यक्ति ये कैसे कर लिया होगा, तो कोई व्यक्ति ऐसा कैसे सोचेगा कैसे कर लिया होगा जब आप कुछ अनबिलीवेबल चीज़ करोगे। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं किसी हद तक अनबिलीवेबल चीज़ है एक अच्छी जॉब के साथ एक एग्जाम को क्लियर कर पाना, क्योंकि इतना कंसिस्टेंस वर्क करना, इतना डिसिप्लिन के साथ वर्क करना, क्योंकि जॉब भी कर रहे हो, ये आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मैसेज पूछेगा तो मैं बोलूँगा ये इम्पॉसिबल नहीं है।
आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपना एंटरटेनमेंट वाला पार्ट, जो पार्टी वाला पार्ट, जो फ्रेंड सर्कल वाला पार्ट, उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसको ड्रॉप करो, कुछ लोगों को सॉरी बोलो और अपने लाइफ के बारे में सोच के वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो, इट्स ओके। उसकी बात चीज़ है, रिजल्ट में भी रिजल्ट का फॉर्म आ जाए, में भी रिजल्ट का फॉर्म ना आए, इतना सोचने का नीड नहीं है ज़िंदगी में कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट है, इट्स ओके। कभी कभी नहीं आता, लेकिन उससे हमारे हमारी इंटरनल फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कभी कभी रिजल्ट का फॉर्म ना भी आए और अगर वो हमको स्ट्रांग फीलिंग दे के चला गया तो भी हम जीत गए जर्नी। तो हमको यही समझ आना चाहिए कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहे डे बाई डे, ये ज़रूरी है, ठीक है। चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जिस जॉब के साथ हो उसमें अपग्रेड करना, अपग्रेड करना एकदम इसेंशियल थिंग है लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, लाइफ में लाइफ को एक अच्छी फीलिंग देने के लिए एकदम इसेंशियल है, ठीक है। तो जस्ट मेरे को लगा कि इस टॉपिक में आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे इंजॉय करते रहिए और ऐसे शेयर करते रहिए, व्हाट्सअप का स्टेटस बनाते रहिए, फेसबुक में शेयर करते रहिए। हो सकता है मेरा ये मैसेज, हो सकता है कोई मेरा वेट कर रहा हो इस मैसेज का और उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो मेरे एक इतने मिनट के लिए अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और अगर एक या दो लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैनल को मैं स्टार्ट किया और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं इस चैनल पे इतनी सारी बात करते रहता हूँ, ठीक है। तो बस आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।